कहां से पेपर लीक हुआ है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है जी। और जो छोटे मोटे जो कर्मचारी है उनको अरेस्ट किया जाता है। सबसे पहले जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं आर के महाजन सर जी। उनको सस्पेंड करिए, उनको पद से हटाइए। किस पे कार्रवाई हो रहा है, आप किसको पकड़ रहे हैं? छोटी मछली को पकड़ रहा है, कैसे क्वेश्चन लीक हुआ? बीते दिनों बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद जो अभ्यर्थी बीपीएससी का एग्जाम देने गए थे वो सरकार से खासा नाराज चल रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी यह मांग कर रहे हैं कि जो जांच है वो जल्द से जल्द जारी करे सरकार, और जल्द से जल्द जिसने भी पेपर लीक करवाया है उस पर कार्रवाई करे सरकार। देखिए हमारे स्टूडियो में आज बात करने के लिए बीपीएससी के अभ्यर्थी आशीष है। आशीष, एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, पेपर लीक हो गया, आप भी एग्जाम में शामिल हुए थे, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहिए? देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और बहुत शर्मनाक बात है जी, जो कि बीपीएससी का पेपर जो है लीक हो गया। और हम लोग बहुत ही काफ़ी संघर्ष करके एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे थे, क्योंकि चूँकि हम पटना से जब जा रहे थे, हमारा सेंटर छपरा दिया था उसे जी, तो उसमें पटना से जो जा रहे थे गांधी सेतु पे जाम लगी हुई थी, तो कम से कम समझिए 3 घंटा में हम हाजीपुर पहुँचे। और हमको उम्मीद नहीं था कि हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। काफ़ी संघर्ष करने के बाद फिर हम छपरा पहुँचे और एग्जाम भी दिए। बहुत एग्जामिनेशन सेंटर पे तो बहुत व्यवस्था नहीं थी, जो हम जिस सेंटर पे एग्जाम दे रहे थे वहाँ देखेंगे जो प्रश्न पत्र का जो बुकलेट होता है जी, तो वो बंडल जो होता है वो कैंडिडेट के सामने फटता है, और जब फाड़ा जाता है उसका वीडियोग्राफी कराया जाता है, और उस समय जो कैंडिडेट आगे बैठे रहते उनसे सिग्नेचर कराया जाता है, तो आगे हम ही बैठे हुए थे तो और वहाँ पे किसी तरह का कोई सिग्नेचर नहीं कराया गया, जो कि सिग्नेचर में ये रहता है कि आपके सामने जो ये बंडल हटा है और आपके सामने प्रश्न पत्र निकाला जा रहा है, तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ था। और सबसे पहले देखें सेंटर पे जैसे एंट्री कर रहे थे तो वहाँ पे ये पूछा जा रहा था कि आप इस जांच प्रक्रिया देखिए कैसे हो रही है जी। जब हम एंट्री कर रहे थे तो चूंकि हमारे पास पर्स था तो हम पूछे भी जो कि सर पर्स ले जा सकते हैं जी। तो बोले नहीं नहीं पर्स नहीं ले जा सकते हैं जी। तो ठीक है सर इसको बैग में रख देते। हमको पूछे मोबाइल भी है तो नहीं सर मोबाइल नहीं है। कोई हमको मतलब होता है चेक करना, वो चेक नहीं किया। हमको ये बोला गया कि मोबाइल है तो हम बोले नहीं सर नहीं है। ठीक है जाइए, ठीक है, मत चेक नहीं किया गया, मौखिक पूछा गया। आप कैसे समझ सकते हैं किस अभ्यर्थी के पास मोबाइल है या नहीं है? खैर ये तो दूसरी बात है, जो मोबाइल जाएगा अंदर या कोई पेपर लीक होगा ये अलग तरह का बात है। लेकिन अभी तक आप जो जांच प्रक्रिया चल रही है, इस जांच प्रक्रिया में आप देखेंगे कि कहां से पेपर लीक हुआ है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और जो छोटे मोटे जो कर्मचारी है उनको अरेस्ट किया जाता है, जो बड़ी मछली है उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करेंगे कि सबसे पहले जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं आर के महाजन सर जी, उनको सस्पेंड करिए, उनको पद से हटाइए जी। अगर आपको जांच को निष्पक्षता के साथ करनी है सबसे पहले उनको पद से हटाइए। इसका कोई गारंटी नहीं कि वो नहीं किए हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो जब तक जांच नहीं होगा ईमानदारी से तब तक कोई भी चीज बाहर नहीं होगा। इतना दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, कोई निष्कर्ष तक आप नहीं पहुंचे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये अधिकारी की असफलता का बात है। लगातार तो कार्रवाई हो रही है, किस पे कार्रवाई हो रहा है, आप किसको पकड़ रहे हैं? छोटी मछली को पकड़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन लीक हुआ? आप बात किए आरा का, आप कह रहे आरा से क्वेश्चन लीक ही नहीं हुआ, अभी तक कुछ ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला है आरा से क्वेश्चन लीक हुआ। हाँ आरा से एक बात देखने को मिला है कि वहां परीक्षा जो है 1 घंटा पहले से कुछ अभ्यर्थी एक प्रिंसिपल के रूम के बगल में परीक्षा दे रहे थे। तो हमको सुनने में ये भी आया सर जो कि कुछ विधायक के जो है बेटी उसमें एग्जाम दे रही थी, ये भी हम आपको बता रहे हैं। वहाँ के जो हमारे संपर्क के बहुत सारे अभ्यर्थी थे उनके द्वारा यह बताया गया है, जो इसलिए जो वहाँ पे इस तरह का वो सेंटर मैनेज था। अब देखेंगे जिस कॉलेज में सेंटर दिया गया था उसका जो मान्यता खत्म हो चुका था, तो वैसा जगह आप सेंटर दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए जो कि बिहार सरकार जो है और बिहार के लिए इतना मेहनत से अभ्यर्थी पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में 12-12 घंटा पढ़ते हैं, सोते नहीं है, पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, बिल्कुल कितनी गरीबी से बिहार एक गरीब राज्य है, बिल्कुल आप देख रहे हैं हर एक रिपोर्ट में आ रही है। बिल्कुल तो जब ये समझ रहे यहाँ के अभ्यर्थी किस तरह से तैयारी करते हैं और किस तरह से पढ़ाई करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और हम तो कहेंगे ये SIT नहीं, आप CBI से जांच कराइए। CBI से सभी जितने भी बिहार के जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो सभी इस बात से सहमत होंगे जब CBI जांच होगी। तो मैं सरकार से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और तमाम बीपीएससी के अभ्यर्थी के तरफ से कि आप जो है CBI जांच कराइए। SIT गठन किए हैं, इस पे हम लोगों को भरोसा नहीं है, आप CBI गठन कीजिए और CBI को आदेश दीजिए जांच करने, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। जब मुख्यमंत्री जी आदेश देंगे तब जाकर के ही जो है CBI जांच हो सकती है।
तो इसमें देखिए ये भी आर के महाजन सर को जो उनको पद से हटाना चाहिए, अभी अविलंब हटाना चाहिए, सबसे पहली कार्रवाई मुख्यमंत्री जी को यही करना चाहिए था। ये काफी शर्मनाक बात है। हमारे कुछ मित्र ऐसे थे जो समझिए चेन्नई से एग्जाम देने के लिए आए थे, तो अब बताइए वो कह रहे हैं कि आशीष जी जब हम चेन्नई जाएंगे तो हमको जान रहे सब बिहार से हैं, तो बिहार जब वहां पूछेगा क्या हुआ एग्जाम में तो सब जानेगा जो बीपीएससी का पेपर लीक हो गया तो एग्जाम कैंसिल हो गया। तो समझिए कितना बड़ा बेइज्जती का बात है ये, कितना हंसी की बात है, हम लोग कैसे गौरवान्वित महसूस करेंगे बिहार को। हमेशा ऐसा ही होता है, क्या कहिएगा, हमेशा बीपीएससी बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा है, और जो बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं जो तमाम तरह के बिहार सरकार के जितने भी विभाग हैं, चाहे सीओ हो डीओ हो बीडीओ हो, इन तमाम तरह के जो डीएसपी हैं एसडीएम हैं, इन सभी पोस्ट पे जाकर के बिहार की सेवा करते हैं। तब जब इसका पेपर लीक हो गया अभिषेक जी, तो अब और जो एग्जाम होता है बीएसएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, जितने भी एग्जाम हो रहा है उसका क्या स्थिति होगा आप ये समझ लीजिए। चाहे जो भी एग्जाम हुआ हो तो सब में कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र लीक होता है। बस फर्क ये है अभिषेक जी कि प्रश्न पत्र जो लीक होता है ना, जिस बार वायरल हो जाता है ना, तो आप जानते हैं कि जब तक मीडिया तक बात पहुंचता है तभी कोई प्रश्न पत्र लीक होता है, तभी आपको पता चलेगा लीक हो गया। लेकिन अगर अंदर ही अंदर काम हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा लीक हुआ कि लीक नहीं हुआ। आप देखेंगे 67वीं जो बीपीएससी हुआ है इसमें प्रश्न पत्र लीक का बात हुआ, क्योंकि इसमें अधिकारी तक सीमित नहीं रहा, ये पब्लिक के बीच आ गया क्वेश्चन, इसलिए ये चीज वायरल ये चीज हो गया। लेकिन आप देखेंगे 66वीं का भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था, लेकिन सिर्फ औरंगाबाद सेंटर को कैंसिल किया गया था। क्यों आपको लगता है जो अभी डिजिटल युग है, अगर किसी एक सेंटर से प्रश्न पत्र लीक होता है कहीं से भी, क्या कुछ सेकंड में ही पूरा बिहार फैल जाएगा? तो आप सिर्फ एक सेंटर को क्यों लीक किए, एक सेंटर को कैंसिल किए, तो उस समय भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था जिसके कारण कटअप इतना हाई गया। हम लोग भी पढ़ते हैं तो इतना कटअप जाना ये सबको आश्चर्य हुआ कि इतना बीपीएससी का 66वीं का कटअप 108 कैसे गया जी। ये सब इस बात से अभी तक बीपीएससी के इतिहास में कभी इतना कटअप नहीं गया था। तो 66वीं में भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था, दरोगा का भी उससे पहले जो अभी जो भर्ती प्रक्रिया हुआ इससे पहले जो हुआ था जिसमें सीबीआई जांच का मांग किया था उसका भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था। लेकिन सरकार क्या करती है, बात को दबा देती है, जो बात को दबा देती है, अभ्यर्थियों की बातों को अनसुना करती है, अपने लाठी से पुलिस बल का प्रयोग करके जो अभ्यर्थी का जो है युवाओं की आवाज को दबा देती है सरकार। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि आप युवाओं की आवाज को दबा नहीं पाइएगा, क्योंकि युवा जाग जाएगा तो फिर आपको कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। और हम आपसे मांग करते हैं सरकार से कि सीबीआई जांच जो है बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ इसको लेकर के सीबीआई जांच करे, जांच करवाए सरकार। बिल्कुल देख सकते हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी आशीष का सेंटर जो है वो छपड़ा में पड़ा था, लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से प्रक्रिया होनी थी उस तरीके से नहीं हुई, वहीं जो जांच करना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ। वहीं आशीष ने साफ साफ बताया है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। और क्या कुछ कहना था आपने सुना है, देखिए बीपीएससी अभिषेक जी देखेंगे, और बीपीएससी 67वीं का पेपर हुआ उसके जस्ट एक सप्ताह बाद सीडीपीओ का हुआ जी, तो सीडीपीओ का भी एग्जाम का सेंटर मेरा छपरा ही था जी, छपरा ही का एग्जाम देने के लिए। उसमें आप देखेंगे जो सेंटर पे जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं था, बेवजह एक दिखाया गया क्या जो कि किसी का जूता खोलवा लिया गया जी, बेल्ट खोलवा लिया गया, तमाम तरह का ये चीज किया गया। लेकिन सेंटर पे आप देखेंगे कि कोई व्यवस्था, अभ्यर्थी पेपर तो लीक किया नहीं है, पेपर लीक तो आपके अधिकारी करते हैं, आपको अधिकारी पे ध्यान देना चाहिए था। तो हम लोग को ये सब चीज खुलवा लिया गया, जूता चप्पल बनकर आप जा सकते हैं, ये सारा चीज किया गया, पानी का बोतल भी अलाउ नहीं था। तब बताइए परीक्षा सेंटर पे जहाँ एग्जाम दे तो वहाँ फैन भी नहीं चल रहा था, तो आप बीपीएससी का 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको फैन नहीं चल रहा है वहाँ पे, आप गर्मी से परेशान है, टेम्परेचर देख रहे हैं, और पानी भी ले जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो काफी अभ्यर्थी इसको लेकर के परेशान थे। तो हम आग्रह करेंगे जो बीपीएससी के जो भी अध्यक्ष वर्तमान में है और आगे जो होंगे, और सरकार से ये मांग करते हैं कि जहां आप सेंटर देते हैं उस सेंटर पे कम से कम पानी और आप ये व्यवस्था जरूर करें, ये सुनिश्चित करें कि वहां पे अगर गर्मी का सीजन है तो वहां पंखा है कि नहीं है, उसके बाद अगर कोई भी मौसम है तो वहां लाइट की व्यवस्था है कि नहीं, ये सारा व्यवस्था होना चाहिए। आप देखेंगे लाइट भी नहीं था, जो हमारा सेंटर था जो अभ्यर्थी के पास अंधेरा था, आगे बैठाया गया था तो वहां पे विंडो नहीं होने के कारण वहां लाइट नहीं थी, अंधेरा था। तो मैं सरकार से यह भी मांग करता हूँ कहीं भी सेंटर देने के जब आप देते हैं कम से कम इन सब चीजों का आप जांच कर ले कि वहाँ फैन है कि नहीं, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अब बोला जा रहा था अभ्यर्थी को आप उठ करके जाइए बाहर पानी पीजिए, अब बताइए आपको 2 घंटा का समय दिया गया है और बीपीएससी का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या आपके पास उतना समय है कि आप जाकर के बाहर पानी पीजिएगा फिर आगे बैठिएगा? ये तो संभव नहीं है। उसी बीच में आपको अटेंडेंस भी बनाना है, तमाम तरह का जो भी मान लीजिए प्रोसेस होता है वो सब भी करना होता है, और आपको एग्जाम भी देना है।
तो इन सब इतना भी समय नहीं बचता है, आप बाहर जाके पानी पीजिएगा। तो सेंटर पे जितना भी व्यवस्था होना चाहिए सब व्यवस्था होनी चाहिए सर। बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सेंटर पे जो व्यवस्था होना चाहिए पुख्त तरीके से होना चाहिए। देखा जाए तो काफी परेशानियां होती है अभ्यर्थियों को, देखा जाए तो बीपीएससी के अभ्यर्थी आशीष छपड़ा गए थे, छपड़ा में व्यवस्था बताया किस तरीके से हुआ, वहीं क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। कहीं ना कहीं अब बिहार के लिए बहुत शर्मनाक है, वहीं लगातार बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो कार्रवाई करवाने में लगे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार जो छापा है वो मरा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो असली गुनहगार कौन है ये पता अभी तक नहीं चला है। देखिए आशीष हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि कब तक कार्रवाई होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बरड़ एनबीसी 24 न्यूज़ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।